समाज आती थी। गुरुजी आपने जोशीमठ के बारे में पहले से आगाह की थी कि वहाँ पर जिस तरह का कार्य हो रहा है वो विकास नहीं, विनाश है, और आज उसका स्पष्ट चित्र देखने को मिल रहा है कि ज्योतिमठ जोशीमठ अभी दबने जा रहा है। बहुत पहले मैंने देहरादून में भी कहा था कि मैं देहरादून से बाहर जाऊंगा, यहाँ विस्फोट होगा। विकास को परिभाषित करने की आवश्यकता है। सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है, मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसको समझकर ही विकास को परिभाषित तो क्रियान्वित करने पर विकास हो सकता है, नहीं तो विकास के गर्भ से विस्फोट निकलता है। हमारे शास्त्रों में, महाभारत इत्यादि में, नदी को भूधर कहा गया है। पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने में नदी का उपयोग है। पर्वत का नाम भूधर है, वृक्षों का नाम भूधर है, पृथ्वी के नीचे जल है, जल के नीचे पृथ्वी है, एक दूसरे के पूरक हैं। पृथ्वी का ही परिष्कृत रूप पर्वत है जो कि पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने में समर्थ है। वन की भी उपयोगिता है, पर्वत की भी उपयोगिता है, लेकिन विकास के नाम पर वृक्षों को काटकर वन विहीन पृथ्वी को बनाया गया है, पर्वतों को तोड़ करके संतुलन भी पृथ्वी को प्राप्त नहीं रहने दिया गया है, उसी का भी विस्फोटक परिणाम है। हमने बहुत पहले से ही कहा था, हम लोगों के वचन जो होते हैं वो दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधकर होते हैं। हम लोगों की बात पर अगर ध्यान दें, वेदादि शास्त्रों के अनुकूल अगर विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करें, इस प्रकार की विसंगति नहीं हो सकती, इस प्रकार का विस्फोट नहीं हो सकता। गुरु जी, जो जोशीमठ और ज्योतिर्मठ का वो निर्माण शैली कैसा है? उसके नीचे कोई गुफाएं है और वो मतलब कैसा सुरंग बनाया गया? उस समय भी मैंने कहा था सुरंग के ऊपर जोशीमठ है, कभी भी जोशीमठ की भूमि धस सकती है, जोशीमठ रसातल की ओर जा सकता है, मैंने बहुत पहले ही कहा था। अभी जिस तरह का वो साधु संत का वाणी को नहीं मान रहे, तो उसी का तो अभी देखने को मिल रहा है उसका नतीजा, तो उसी को कैसे मतलब सरकार उसको ग्रहण करे? कारण ये साधु संत का वाणी का फल तो यही है। ऐसा है ना कि गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से हम लोगों को दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों का ज्ञान है। शासन तंत्र कभी पसंद नहीं करता कि व्यासपीठ से संबद्ध जो संत महात्मा हैं उनके समकक्ष भी रह सकें या उनको मार्गदर्शन दे सकें। उनको अपने अधीन करने की का व्यामोह नेहरू जी के समय से अब तक है, उसी का विस्फोटक परिणाम है। हम लोग केवल कथा ही नहीं कहते हैं, वेदादि शास्त्रों का विधिवत अध्ययन करने के कारण भूगोल के भी हम लोग जानकार होते हैं, खगोल के भी जानकार होते हैं, इसी प्रकार पदार्थ विज्ञान, रसायन विज्ञान के भी जानकार होते हैं। हम लोगों से अगर मार्गदर्शन लिया जाए, परामर्श लिया जाए, समय समय पर गोष्ठी में विचार का आदान प्रदान हो, तो सुमंगल विश्व की संरचना में उसका उपयोग हो सकता है, भारत भव्य हो सकता है। जिस तरह का जैसे का जगह पे तपोभूमि है, उस तपोभूमि पर तपोभूमि के आधार से विकास की जाए, सनातन धर्म का विकास हो जाए, तो उसे भोगभूमि बनाने का नतीजा ये दिखने में ऐसा है कि तपस्थली को पर्यटन के नाम पे भोगस्थली बना देना आजकल का व्यसन है। समाज भी यही समझता है कि विकास होगा, तपस्थली को तपस्थली न रहने देने की भावना से पर्यटन का केंद्र बना दीजिए। पर्यटन का केंद्र ही तपस्थली भोग को भोगस्थली बना देता है, साथ ही साथ सुरा सुंदरी का केंद्र बनते ही वहाँ की संस्कृति विलुप्त हो जाती है, प्रकृति क्षुब्ध हो जाती है। भगवान की शक्ति का नाम प्रकृति है, प्रकृति के परिकर पृथ्वी, जल, तेज, वायु हैं जो ऊर्जा के स्रोत हैं। आजकल विकास को जिस ढंग से परिभाषित और क्रियान्वित किया गया है, उसका परिणाम यह है कि चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धस गई। अभी पूरी में जिस तरह का महाप्रभु का जो मंदिर के चतुर्पार्श्व में जो विकास हो रहा है, तो आप पहले भी तो आगाह की थे, तो अभी क्या बोलने जा रहे हैं कि जिस तरह का ज्योतिमठ का नतीजा हुआ? अब मैं भविष्यवाणी करूं और लोग डर जाएं, लेकिन जो कुछ हो रहा है उसमें विसंगति अवश्य है, अदूरदर्शिता अवश्य है। कोई भी राजनीतिक दल भारत में ऐसा नहीं है जो सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता की चपेट से मुक्त हो। साथ ही साथ राजनेता जिस विषय को नहीं जानते हैं उस विषय में भी हस्तक्षेप किए बिना नहीं रहते। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, पूरे भारत को
या पूरे विश्व को देसी विदेशी कंपनियां चला रही हैं। इसका अर्थ है कि राजनेताओं में केवल ठेका देने की क्षमता रह गई है, शासन करने की क्षमता नहीं रह गई। पूरे विश्व को 13 व्यापारी चला रहे हैं। व्यापार तंत्र के अधीन ही पूरा विश्व है, अर्थात पूरे विश्व राजनीति विदा हो चुकी है। राजनेता शासन करने की क्षमता से विहीन हो चुके हैं, केवल व्यापारियों को ठेका देने की क्षमता है। भविष्य क्षमता भी उनकी विलुप्त होने वाली है। पहले जो राजतंत्र चल रहा था वो सुशासन में चल रहा था, साधु संतों का निर्देश से चल रहा था, उपदेश में चल रहा था। लेकिन आपको अब लगता है अभी जो राजतंत्र चल रहा है वो साधु संत का उपदेश को मानते हैं? मैंने एक संकेत किया, महाभारत के शांति पर्व में दिखा गया है, कहा गया है कि मंत्रिमंडल में 4 शिक्षाविद ब्राह्मण हों, 8 रक्षाविद क्षत्रिय हों, 21 अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ वैश्य हों, 3 शूद्र हों जिनके मार्गदर्शन में कुटीर उद्योग लघु उद्योग चलें, 1 सूत सांस्कृतिक मंत्री हों, 7 कैबिनेट मंत्री हों। इस प्रकार से पहले से ही राजतंत्र में प्रजातंत्र समाहित था। राजा का अर्थ होता था प्रजारंजन में अपनी मेधा शक्ति का उपयोग करना। 50 पीढ़ी के लिए धन बटोरने का व्यामोह राजनेताओं में नहीं होता था। अभी जो गोहत्या बंद होने के लिए जो सरकार के जिस तरह का नियम था और जो शपथ लेके वो कार्य कर रहे थे, अभी लग रहा है उनका दिशा ऐसा है कि गोहत्या के जो समर्थक होते हैं और हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने के जो समर्थक होते हैं वही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त करते हैं। ये व्यामोह है। मुख्यमंत्री तभी कोई ख्याति प्राप्त करते हैं जब वो गोहत्या के समर्थक होते हैं, साथ ही साथ हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने की भावना से क्रिश्चियन बनाने का व्यामोह उनमें पलता है। वो नहीं ध्यान रख पाते कि क्रिश्चियनों का ही देश हो गया अगर, तो उनको वोट कौन देगा? हिंदू होकर के वो न मुख्यमंत्री हो सकते न प्रधानमंत्री हो सकते। तो अभी क्या संदेश जाएगा गुरु जी? सरकार जोशीमठ का हाल हुआ है तो बहुत सारे मठ मंदिर का शुरू, कभी भी किसी स्थल की वो दशा हो सकती है, इसलिए विकास को परिभाषित करने के पीछे ध्यान रखना चाहिए। भोग और मोक्ष के अनुकूल और अविरुद्ध वस्तु और व्यक्ति की उद्भावना का नाम विकास है। सुसंस्कृत सुशिक्षित सुरक्षित संपन्न सेवा प्राण स्वस्थ सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना का विकास है। विकास को वेदादि शास्त्रों के आधार पर समझकर उसे क्रियान्वित करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 87 अध्याय के 2 श्लोक में विकास को परिभाषित किया गया है। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जनाना मसजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। महासर के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने क्या किया? प्राणियों को जो कृतार्थ प्राणी थे देहेन्द्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्रदान किया ताकि वे भोग और मोक्ष को सिद्ध कर सकें। हमारे यहाँ भोग को भी महत्व है, मोक्ष को भी महत्व है। लौकिक उत्कर्ष हो पारलौकिक उत्कर्ष हो परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो। मृत्यु जड़ता दुख अतिक्रांत जीवन की प्राप्ति हो, सारी विधा हमारे शास्त्रों में पहले से ही आवश्यक है कि विज्ञान को जानने वाले आधुनिक वैज्ञानिक और हम लोग गोष्ठी के माध्यम से प्रांत राष्ट्र विश्व के हित पर विचार करें, उसे क्रियान्वित किया जाए। नेहरू जी के शासनकाल में भारत साहु समाज की स्थापना की गई ताकि परंपरा प्राप्त संतों का वर्चस्व न रहे। हमारे लाडले प्यारे 70 बार मेरे पास कम से कम आए होंगे, एक साल में 4-5 बार आते थे। अशोक सिंघल जी ने धर्म संसद की रचना की, उनके मंच पर जो पहुंच जाता था उसी को जगत गुरु की उपाधि दी जाती थी। नेहरू जी के शासनकाल से अब तक यह व्यामोह चल रहा है, परंपरा प्राप्त कोई आचार्य न रह सके। शासन तंत्र का अनुगत होकर ही सरकारी संत संत के रूप में ख्यापित किए जाएं, इस विभीषिका के कारण यह विस्फोट है। मुझे जो देहरादून की बात बोली तो उसमें क्या अपने पहले से सूचना मिल गई थी? देहरादून में मैंने कहा था कि मुझे देहरादून छोड़ने दीजिए, फिर यहाँ क्या होता है मुझे देखिए। जैसे मौसम विज्ञान वाले पहले से घोषणा कर देते हैं, ऐसे हम लोगों को पृथ्वी पानी प्रकाश पवन की गतिविधि को देखकर मालूम पड़ जाता आगे क्या होगा। कोरोना के पहले ही 6 महीने पहले कम से कम हमने कहा था कि महामारी आने वाली है। पृथ्वी पानी प्रकाश पवन ये ऊर्जा के स्रोत हैं, प्रकृति के कार्य हैं, प्रकृति भगवान की शक्ति है। हम लोगों की गति प्रकृति पंचभूत प्राणी सब में है, क्योंकि हम भगवान से एकीभूत होकर ही सारी गतिविधि चलाते हैं। इसलिए हम लोगों को
प्रकृति भी मानो बता देती है, वायुमंडल भी बता देता है आगे क्या होने वाला है। हम लोगों की मेधा शक्ति का अगर उपयोग किया जाए तो भारत आर्थिक दृष्टि से भी समुन्नत हो सकता है, हर प्रकार से उत्कृष्ट हो सकता है, पूरे विश्व में भव्यता का संचार हो सकता है। अगला